अस्सलामुअलैकुम। मैंने आप लोगों को बोला था ना मेरे ये संदूक में क्या क्या है, मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि ये पेटी में क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये निकाला, ये मैंने मेरे जॉब से लिया था, वो है बाबू बताओ ये कप। कप इसमें भी अलग अलग डिजाइन के होंगे? नहीं, हाँ अलग अलग एक्चुअली। अरे तो मैंने अलग अलग ली थी ना, मैं एक एक चीज अलग। हाँ ये है ना, मैंने हाइपर सिटी में थी ना तब ली थी, होम सेंटर का। ये बोन चाइना है, ये बोन चाइना मतलब हड्डियों से और शेल से बनता है ये, लेकिन बहुत अच्छा लगा था मुझे तब, मैंने इसलिए ली थी। ठीक है, और ये देखिए कुछ इस तरह का प्रिंट है इसके ऊपर। बाबू रोशनी छोड़ो ना जरा थोड़ा सा, अभी थोड़ा बाबू का काम बढ़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। तो दो इस तरह के कप है और दो ऐसे प्लेन कप है, बोन चाइना है, ये सिरामिक के नहीं है ये। ठीक है, लेकिन मुझे पसंद करके मैंने ले ली थी। बाबू इसमें से कोई निकालना है यूज़ करने के लिए? हैं इसमें देखिए ये है ना, ये भी मैंने ना दो दो करके ली थी। ये क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल प्लेट है। ये देखिए ये स्मॉल प्लेट है, और ये जो इसके ऊपर धारी धारी दिख रही है ये इसका प्रिंट ही है। ये इसका प्रिंट है, सेल्फ प्रिंट अंदर से है, अंदर से है, ये प्रिंट है। मैंने जब ली थी ना मुझे ऐसा लगा था ये टूट गया लगता अंदर से, और ये मैं 10-12 साल हो गया तब ली थी। मैं 19 साल की थी तब ली थी, और ये आज तक वैसी है क्योंकि मैंने इसको वैसी रखा। दो मैंने ये लिया था, मैंने टुकड़ा टुकड़ा में लिया था, जब जब मेरे पास 100-100 रुपये होते थे ना तो मैं एक एक करके लेती थी। ये कितने की है? ये 49 रुपीज़ की मिली थी मुझे। ये देखिए 12 साल पहले, हाँ 50 रुपये की मिली थी मुझे ये, तो मैंने दो ली थी। चलो तो जब तक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसमें क्या क्या है, तब तक बाबू दूसरा काम कर लेते। ठीक है, तो ये एक है प्याला सेट, जिसमें एक बड़ा ये प्याला है और इसमें ये छोटे छोटे सिक्स है जो मेरी शादी में मुझे मिला है। ठीक है, ये पूरा सेट है। आप लोग में से कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि ना आप, मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना करके मुझे बहुत शौक चढ़ा है, मेरे पास पैसा आ रहा है बोल के मैं ले रही हूँ चीज़ें, तो नहीं, मैं क्रॉकरी की और सामान नए नए सामान खरीदने की शौकीन पहले से ही हूँ। मुझे सामान जमा करना बहुत पसंद है। जब मैं जॉब पे लगी थी आज से, मैं बता रही हूँ ना, 10-12 साल पहले मुझे इतना क्रेज़ था, मैंने इतना सब कुछ जमा किया था, तो क्या मुझे आज नहीं होगा क्या उतना ही क्रेज़। और ये भी है सर्विंग बॉल, ये भी मैंने खुद ही ने बाय किया था, 150 रुपये का एक मैंने ली थी। देखिए आप लोगों को प्राइस दिख रहा होगा, 149 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो ये मैंने 149 रुपीज़ में एक ये बॉल लिया था, मुझे अच्छा लगता था, ये सिरामिक का है, पूरा सिरामिक का है। ठीक है, कलरफुल। और ये भी, ये देखिए ये इसका प्रिंट देखिए, मेटालिक है, हाँ ये ब्लैक मेटालिक है, शाइनी अलग थी जो सामान मैंने लिया था। ये सब हाइपर सिटी से लिए हुए सामान है, ये रोड पे से नहीं लिया था मैंने, मार्केट से नहीं, मैंने हाइपर सिटी से बाय किया ये सारी चीज़ें। ये देखिए मैंने घर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बाय की थी, अम्मी के घर के लिए। और एक चीज़ देखो आप, ये अपना सामान क्लीन कर रहे हैं, मैं अपना सामान दिखा रहा हूँ, अटक गई ना ऊपर, जा ही नहीं रही है, नहीं जा रही। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नहीं 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 उसके लिए अपन अच्छी जगह बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो, जाएगी जाएगी। तो ये वाले बॉल्स मैंने अम्मी के लिए भी ली थी, लेकिन अम्मी ने तब, हम लोग के घर में एक्चुअली ना, हम लोग सब छोटे छोटे थे, हम लोग के घर में ना गली के बच्चे लोग बहुत आते थे, तो ये सब कांच के सामान अपन ज़्यादा संभाल नहीं पाएंगे बोल के अम्मी तब ये यूज़ नहीं करते थे। अम्मी भी सब उठा उठा के रखे कि तू शादी में लेके जाना बोल के, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी अम्मी ये यूज़ कर सकते स्ट्रीट फूड जायका पे, तो मैं अम्मी को इसमें से ये दो ब्लैक बॉल देने का सोच रही हूँ। मैं भी तो नहीं यूज़ कर रही, मेरे पास पड़े हुए, लेकिन स्ट्रीट फूड जायका पे एटलीस्ट यूज़ तो करेंगे। हाँ बाबू देखो तो बॉल तो देखो क्या शाइन है इसकी, अभी अम्मी को काम आएगा ना ये, देखो शाइन देखो उसकी, अंदर मेटल वाला है ना ये, नहीं नहीं ये मेटालिक प्रिंट है, अंदर मेटल नहीं है, पूरा सिरामिक है, पोर्सिलिन बोलते हैं ना जिसको, पोर्सिलिन, पोर्सिलिन नहीं, तो ये वो है। तो इसमें से दो मैं अम्मी को दे दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और अम्मी के जो बर्तन शादी के बोल रही हूँ ना मैं, वो देखिए यहाँ दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो ये चाय की केटली है। ठीक है, अम्मी की शादी कितने साल हो गया, ओके 32 साल 32-33 साल हो गए,
अम्मी ने ये संभाला 20 साल, क्या ज्यादा हो गया रहेगा? अरे भाई कि मैं क्या बहुत ज्यादा बुढ़ी हूँ क्या? हाँ तो मेरे अम्मी की शादी मेरे पैदा होने के 2 साल पहले ही हुई है। हाँ देखो मेरे को बुढ़ी बना रहे तुम्हारे भाई जो। हाँ तो फिर उसके बाद ये एक दाल घुटनी, सारी चीज़ें मेरी अम्मी ने ना उठा कर रखे थे जो मैं लेकर आई हूँ साथ में। ये देखिए एक जग है, ये जग यहाँ का नहीं है। हाँ पता है ये सब सामान में से कुछ तो है कोइट का भी है, लेकिन मुझे उतना नहीं मालूम क्योंकि मेरी नानी कोइट में थे ना बहुत साल, अम्मी की शादी में आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें यहाँ की है भी नहीं, इंडिया की है भी नहीं, बाहर गाँव की। ये छलनी है चावल छलने की, ठीक है, ये तो अभी मिल जाती है आराम से 100-100 रुपये में कहीं भी मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी ऐसी नहीं होती है जैसी ये है, ठीक है, ये अच्छे मजबूत है। और ये वो बर्तन है, कटोरे पूरे लाइन से छोटे बड़े सेट, आधे बर्तन तो मैंने यूज़ करना निकाल लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला अम्मी के ग्लासेस मैंने यूज़ करने के लिए निकाल लिए है, अम्मी के दिए हुए बर्तनों में से जो जो मुझे वो प्लेटें बहुत पसंद थी वो मैंने निकाल लिए, जो जाड़ी प्लेट आप लोग डेली हम लोग को देखते हैं उसमें खाना खाते हुए, तो ये भी सेट अम्मी की शादी की छे, ये देखिए यहाँ पे लिखेला है क्लियर लिखे हुआ तो है इसमें 20/12/87, ये देखिए अम्मी लोग की शादी हुई है 1987 में, अभी लोग झगड़ा नहीं कर सकते कि शादी कब हुई है, देखो मेरे पास सबूत है, ये देखो। हाँ ये लोग को खुद को अपने शादी का ईयर याद नहीं रहता है, एक दूसरे के साथ चालू रहते हैं मेरे अम्मी अब्बा तो ये अम्मी की शादी के कटोरे, और मैंने इसको बड़े संभाल के और प्यार से रखे हुए, काश मैं आज ये छोड़ के आती अम्मी को याद, अम्मी को मालूम होता स्ट्रीट फूड जायका नाम का कोई चैनल बनेगा तो ये काम आते आज अम्मी को, है ना। अभी अम्मी को बहुत बर्तन लगते स्ट्रीट फूड जायका पे ना, सच्ची में बर्तन बहुत लगते, इतना बड़ा चम्मच, मेरी शादी में जब ये आया था मैं डर गई थी, मिली इतना बड़ा चम्मच, देखो बाबू वहाँ पर ना ये बहुत बड़ी वो है, क्या बोलते है, थाल है, दो थाल मैं लेके आई हूँ, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली, और वो वजन है, ठीक है, तो मैं वो नहीं निकाल रही हूँ। और ये देखिए और ग्लासेस है अम्मी के शादी के ही, लेकिन मैंने ना इसमें के प्रिंट वाले डिज़ाइन वाले ऊपर रखे, मैं दिखा दूंगी आप लोगों को यही वीडियो में, हर बर्तन पे डेट है, हर बर्तन पे डेट है ये देखिए, और नाम के साथ है किसने दिया है, और फिर भी लोग टेंशन लेते कब हुई थी शादी जब है ना हम लोग एनिवर्सरी विश करते ना कि हैप्पी एनिवर्सरी, इतने शादी के साल इतने हो गए आप लोगों के, तो लोगों को खुद को याद नहीं रहता। अब मैंने कन्फर्म देख लिया बर्तन पे कि कितना साल हुआ है, तो अभी बता सकती हूँ मैं उनको, तो चलिए ये मैं इधर रख देती हूँ और मैं अभी ये डब्बे वाले सामान बताती हूँ आप लोगों को। तो मैंने वो बर्तन वापस उसमें रख दिए क्योंकि मैंने उसमें से और कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ 2 बॉल अम्मी को देने, और अब ये डब्बे में देख लेते क्या है। ये देखिए इधर है ये ग्लास, जूस ग्लास सेट, माँ इसके बॉक्स भी ऐसी है, ये मेरी शादी का गिफ्ट है, ठीक है, मैंने ये यूज़ ही नहीं किया, कहाँ क्या यूज़ करने का था, छोटे छोटे ग्लास में जूस पीना मज़ा भी नहीं आता मेरे को, तो जूस भी ज़्यादा हम लोग का इतना, मुझे जूस इतना पसंद है कि बाबू और मेरा कॉम्पिटिशन हुआ था जूस पीने का फूड रेस्ट से, है बाबू था। उसके विजेता कौन थे? मैं। बाबू थे उसके विजेता, ठीक है, इसके असली विजेता थे। हाँ फूड रेस एक्चुअली में देखा जाए तो बाबू ने ज्यादा विनिंग की है, उसके बाद जीनी ने ज्यादा विनिंग की, फिर ये एक्चुअली में ना जब हम लोग है ना स्टार्टिंग में मैंने ये पेटी है ना अम्मी से शादी के 6 महीने या 1 साल के बाद ली हूँ, लेकिन पहले मेरा सामान जो है ना मतलब ऐसे कोड मालों पे डालते थे हम लोग, जब हम लोग घर मेरे घर पे, तो वो कोटमाले पे बहुत ज़्यादा सीलिंग आती थी, इसलिए ये बॉक्स ख़राब हो गए सारे, तो देख सकते हो आप इधर भी ग्लास का सेट। बाबू वो जो ग्लास है वो जो निकले हुआ स्टैंड में है वो रख के ये वाला निकाल लूँ क्या, क्योंकि इसमें तो कुछ तो पी सकते हैं एटलीस्ट। हाँ, तो उसमें। हाँ? आराम से पी सकते उसमें आपको। और जो है वो बहुत छोटे है ना, देखती हूँ मैं, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को भी दिखा दे। तो देखिए यहाँ पे ना मैंने ना ये पिछले साल जब मैं ये घर में आई थी ना तो मैंने ये निकाली थी सजाने और यूज़ करने, और 2 साल से मैंने ये यूज़ ही नहीं की, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे, इसमें क्या आएगा, पानी भी हलक नहीं भिगाएगा और जूस तो छोड़ ही दो, तो इससे थोड़ा बड़ा तो ये बाजू वाला लग रहा,
तो मैं वही सोची कोई भी एक सेट निकाल लेती हूँ अभी, और ये वाला जो सेट है वापस डाल देती हूँ। इसके लिए मैं वो पेटी खोली, और इसका जग भी है, देख रहे हो आप, यूज ही नहीं हुई है कभी। और वो जो अम्मी की शादी का बोल रही ना मैं, जो दो ग्लास, ये देखिए ये चार थे तो दो मैंने रखी और दो जीनी के लिए छोड़ के आई मैं वहाँ। अम्मी के सामान पे हम दोनों बहनों का हक था ना, तो तभी भाभी नहीं आई थी तो हम लोग ने ले लिए। अब भाभी के लिए तो माँ बाप छोड़ के आए ना हम लोग ने, तो अम्मी का सामान लेके आए है ना बाबू, भाभी के लिए छोड़ के आए ना अम्मी अब्बा को, हाँ भाभी के लिए छोड़ के आए ना अम्मी अब्बा को, तो अम्मी अब्बा का सामान तो हम लोग लेके जाएंगे ना तो ऐसा तो मैं ये निकाल लेती हूँ अभी। हाँ तुमको दिख रहा ना साफ है, हाँ ठीक है देख लो, कर लो चलो। तो फाइनली फिर मैं ये जग निकाल देती हूँ, वो ग्लास यही वाले डब्बे में डाल के रख देते हम लोग, ठीक। तो वो वाला हम लोग ने निकाल लिया ग्लास सेट, और जग भी निकाल दिए साथ में। अब ये वाला मैंने इसमें डाल दी, अब इसको मैं कर दूंगी पैक, ठीक है। मैं सामान बहुत सजा सजा के रखती, संभाल के रखती, भले यूज़ करूँ नहीं करूँ लेकिन लेने का बड़ा शौक है मुझे। अभी खुद ही देख लीजिए आप लोग, चीज़ें जमाने का बड़ा शौक है, वरना मेरी जगह कोई और होता अगर जिसको शौक नहीं है क्रॉकरी का, वो शादी की चीज़ें अब तक ख़त्म कर दिया होता और दूसरी लेता ही नहीं, बाद में लेता जब सब ख़त्म होता, लेकिन मुझे शौक है ना। अभी देखो ये निकालूंगी, ये शादी के बाद है ना मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था दावत में, इनके दोस्त की आम्मी आंटी समझ लो, तो उन्होंने दिए थे, मैं निकालती हूँ रुकिए। ये देखिए ये है डिज़ाइन, लेकिन मैंने ये इसको खोला तो मैंने देखा तो ये इसके अंदर गंदगी हुई पड़ी है। वन सेकेंड मैं अच्छे से दिखाती आप लोगों को, ये देखिए इसमें कप है 6 और सॉसर है 6, एक है टी पॉट, एक है शुगर पॉट और एक है मिल्क पॉट, ठीक है, मिल्क पॉट, शुगर पॉट और अच्छा पूरा टी सेट है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये चूहे कहाँ से गए समझ नहीं आ रहा है, चूहे ने जाकर गंदगी कर दी। अंदर एक होल भी दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है आप लोगों को सामने, ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, पन्नी तो पूरी पैक है, चूहा गया कैसे अंदर तो मैं इसको वापस से पैक करके रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये ऐसे सेट्स यूज़ नहीं करती हूँ, बस मेरे को क्रॉकरी जमा करने का शौक है, 50 टाइम बोलूँगी लेकिन मैं ये चीज़ किसी को दूंगी भी नहीं, ठीक। किस किस की ऐसी आदत है बताना, कि यूज़ भी नहीं करेंगे लेकिन किसी को देंगे भी नहीं, मेरे जैसे कितने लोग हैं, उंगली उठाना, लाइक करना और बताना मुझे, ठीक है। अब मैंने यहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, अब बारी आती है यहाँ, अब ये नीचे के बॉक्स में देखना है क्या है, ठीक है। तो ये है सूप प्लेट, ये देखिए सेट ऑफ टू, ठीक है। ये मेरे को याद है मैं लेकिन कंफर्म नहीं हूँ कि ये किसने दिया था, मुझे ऐसा लगता है ये भोला भाई ने दिया था शादी में मेरे, अरशद भाई ने दिया था बाबू शायद, ये थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, ये सिरामिक की हाँ, ठीक है। ऐसे ही सेम दो सेट है, मतलब एक ये सेट हो गया, मैं इसको सही से बंद कर देती वरना टूट जाएगा, ठीक, और एक ये सेट, ये देखिए दोनों भी सेम है, 4 प्लेट है, सूप प्लेट है। निकाल लो क्या ये सूप प्लेट, अच्छी लग रही है, जब तक रखी रहेगी यूज ही नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो मैंने ये 4 प्लेट निकाल दिए और मैं ये यूज करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा यूज करते हुए, हल्की नाजुक सी, हम लोग डेली नाश्ते के टाइम पे ये यूज कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत सी ये देख सकते हैं आप, है ना, पतली है, ज्यादा वजन भी नहीं है। काई की है ये, देखते हैं हम लोग, पीछे लिखा है ना बोन एश, बोन चाइना, ये भी माइक्रोवेव सेव है, ब्रेक रेजिस्टेंट है, बोन एश फ्री, अच्छा बोन एश फ्री है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा बोन नहीं है इसके अंदर, सिरामिक है ये, ठीक है। ओए होए होए होए, इसके अंदर तो वही फिर हाइपर सिटी का सामान, अरे बाबू देख लो जरा मेरे सामान में, थोड़ा इंटरेस्ट ले लो। एक्चुअली ना सच्ची बताओ मैं आप लोगों को कि ना कभी बाबू ने ना इंटरेस्ट लेके देखा ही नहीं मैंने शादी के पहले क्या क्या सामान लिया था, हानि तो क्या, इधर आओ ना देखो ना, ये देखो ये मेरी शादी के पहले का सामान जो मैंने खरीदा था, जो तुमने कब दे, अरे तोड़ा, क्या तोड़ा, अच्छा टूटी हुई चीज तोड़े,
ये देखो जो कप देखे ना तुमने, वो सिर्फ कप नहीं है, वो कप सॉसर सेट है। रख निकाल लूँ क्या वो यूज करने के लिए, कभी गेस्ट वगैरह आएगा तो काम आएगा। क्या बोलते ग्रीन वाला निकालू के व्हाइट वाला निकालू? ग्रीन वाला अच्छा लग रहा। ये देखो वैसे हम लोग घर पे ज्यादा गेस्ट नहीं आते भाई, गेस्ट के नाम पे नहीं आते, तो अब बाबू के एक आध दोस्त आते, वो भी अल्तू भाई, या तो फिर बहुत ज्यादा ही मतलब दो ही जन को जानती मैं, ज्यादा तो कुछ किसी को नहीं जानती, और या तो फिर मेरी अम्मी या मेरे मायके से कोई आता है। ठीक है, तो वो गेस्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छा लगेगा अगर वो लोग ये कप सासर में पिएंगे तो, और मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा धुतते हुए। तो ऐसा है, वैसे तो प्लेन वाला भी है, देखिए प्लेन वाले की सासर, प्लेन वाला थोड़ा सी वो है, क्या बोलते हैं, यूनिक पीस है उसकी सासर जो है ना वो यूनिक है। मुझे बहुत अच्छा लगता था सच्ची में, मुझे बहुत अच्छा लगता था कुछ नया यूनिक देखा ना, मुझे लेने बहुत अच्छा लगता था। ये देखिए पीछे, ठीक है, जब 50-50 रुपए के मिलते थे ना, ये समझ लो ये कप सॉसर मैंने लिया है 50 रुपए का होगा, ये होगा 50 रुपए का, क्योंकि मैं खुद को इतना जानती हूँ कि 50 रुपए के आगे मैं इन्वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी आज से 12 साल पहले क्रॉकरी के पीछे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ जैसे कि ये बॉल मुझे 150 का मिला था, तो वो चीज़ वैसी थी इसलिए मैंने 150 रुपया दिया। अब इसके अंदर और कप सॉसर है। हाँ, अब ये बॉल दिखाती हूँ, ये बॉल, ये 6 का सेट था, लेकिन हम लोग पहले रूम में थे ना जहाँ, वहाँ पे मैंने किसी को इसके अंदर खाना दी थी तो उनसे लेना भूल गई थी बॉल, तो 15-20 दिन गुजर चुके थे, वो डेली यूज़ होते 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 फुल डैमेज हो गया था। ठीक है, तो ऐसा है कुछ इस तरीके का समझ लो, और फिर बाद में वो मैंने यूज़ ही नहीं किया, मुझे पसंद ही नहीं आया, अब ये भी पसंद नहीं आएगा, ये मैं नहीं यूज़ करूँगी, ये फेंक दूँगी। ठीक, ये जो ऐसे प्लेन रहते ना एकदम वाइटम वाइट, ये गंदा है, ये मैल है, ये साफ़ हो जाएगा, ये है ना ये मैल है, ये धोने पे साफ हो जाएगा, लेकिन ये भी सब मैंने खुद खरीदा है, ये भी 50-50 रुपये का मिला था, 199 MRP दिखा रहा है, लेकिन 50-50 रुपये में मिला होगा तभी लिया था मैंने ये। ठीक, हर एक पे लिखा है 200 रुपया, लेकिन नहीं, मैं खुद को इतना जानती हूँ कि मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करती थी, 50 रुपये में मिला होगा तभी मैंने लिया। पूरा ना आगे पीछे रखे हुए लोगों ने, देखिए 6 ऑरेंज कप लिए थे मैंने, ये बड़े बड़े हावड़ा, डेली लाइफ में अपन इतनी चाय थोड़ी ना पीते, अगर पीते होते तो मैं निकाल लेती कप का, लेकिन डेली लाइफ में कौन पीता इतनी चाय डेली डेली सुबह शाम, इसके लिए मैंने इसको उठा के रखा है। देखिए कितना बड़ा कप है वो, है ना, तो ऐसा, ये देखो मैंने 6 सॉसर लिए थे, बिस्मिल्लाह, ये ना बाबू निकालने नहीं देते मेरे को बर्तन यूज़ करने, तो मेरे को रख देना पड़ता वापस चुपचाप, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। और वो जो मैंने आप लोगों को बताई ना ये 2 प्लेट स्मॉल प्लेट, तो वही है, ये उसकी बड़ी प्लेट है, 6 ली थी मैंने, ये देखिए होम डिकोर क्या है पता नहीं जो भी है, माइक्रोवेव डिशवॉशर ओवन सेफ, ये देखिए एक है। आप लोगों को मेरी क्रॉकरी कलेक्शन कैसा लगा, ये छुपा हुआ वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये अभी लिया हुआ नहीं है बिल्कुल भी, ये मेरा खजाना, मेरा संदूक, सब बताया ना मैंने आप लोगों को, 2010-2009 में मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई है, और ये अब मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कुछ मेरे परचेस किए हुए प्रोडक्ट और कुछ मेरी अम्मी के पुराने बर्तन हैं ये संदूक में, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये 6 प्लेट्स हैं इसके अंदर, सोचती थी जब मेरी शादी होगी ना तब मैं ये यूज़ करूँगी, लेकिन शादी के बाद ऐसा मेरे घर पे कोई आता ही नहीं है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, तो बाबू ने इस पर टैंक चढ़ा दिए थे, अब टैंक थोड़ी ना गेस्ट आए तो मैं टैंक हिला लूँ और बर्तन निकाल लूँ, ऐसा वाला था कुछ, तो वो वैसे ही रह गए, और अभी भी बाबू मना कर रहे, कुछ भी निकाल मत बोल रहे, बोलते रहने दे जितना सामान है उतना पहले यूज़ कर ले बाद में निकाल, तो फिर मैं वापस से रख दे रही उसको चुपचाप, और मैं और 10 साल इसको अच्छे से रखूँगी, जब तक यूज़ नहीं करूँगी तब तक संभाल संभाल के रखूँगी, लेकिन यूज़ तो करूँगी मैं, हाँ नहीं तो क्या। और ये भी ट्रे है जो अम्मी की शादी की है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें कि एक ये निकाल लेते छोटी वाली स्टील वाली, यूज़ हो जाएगी, अभी मेरे पास है यूज़ करने के लिए 2 है, लेकिन मैं ये स्टील वाली निकाल रही हूँ। ठीक, तो मैंने ये ख़जाने में से क्या क्या निकाला बताओ आप लोगों को,
सिर्फ एक ये ट्रे अभी निकाली है, ये दो बॉल अम्मी को देने के लिए निकाल दिए, ठीक, और दो ये कप सॉसर निकाल दिए, ठीक, और ये चार प्लेट्स निकाल दिए। और अब इसके अंदर ये वापस डाल दूंगी ये चार बॉक्स, और जो सामान मैं अपने किचन में यूज़ नहीं कर रही वो भी डाल दूंगी इसके अंदर, बस दैट्स इट। तो इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करती हूँ। ये थी मेरे संदूक की कहानी, और ये सब कुछ था इसके अंदर, आधे सामान अम्मी के आधे सामान मेरे। हो सकता है इसमें से कुछ चीज़ें मैं ना यूज़ करूँ और मेरी बच्ची की शादी तक के पड़े रहे, तो मेरी उसकी शादी में दे दूंगी मैं सामान, ठीक। जैसे अम्मी का शादी का सामान मैं लेके आई, वैसा मेरी शादी का सामान मेरी बेटी लेके जाएगी एक दो, ठीक है। देखो पुराने ज़माने के लोग है ना, बहुत ज़्यादा संभालते थे चीज़ों को, अपन नहीं संभाल पाते उतना, लेकिन मैं भी संभाल रही हूँ, 5 साल से इतनी सारी चीज़ें संभाली हूँ, तो इंशाल्लाह आगे भी संभालूंगी और जमाऊंगी, ठीक। चलिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और मेरा घर कुछ इस तरह से है, शिफ्टिंग चालू है, आप लोगों को पता है, शिफ्टिंग नहीं एक्चुअली रेनोवेशन चालू था मेरे घर का, इसलिए काम चल रहा था, तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दिया। बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।